हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हो आप लोग ठीक ही होंगे। सबसे पहले मेरी तरफ से बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार। और गाइस, स्टार्ट कर रही हूँ आज का ब्लॉग। आप लोग अब मेरे ब्लॉग में अपना प्यार बनाए रखे हैं और आप लोगों का स्वागत है मेरे ब्लॉग पहाड़ी कविता ऐठानी ब्लॉग में। और गाइस, आज मैं जा रही हूँ बागेश्वर और कड़वा चौथ की थोड़ी शॉपिंग करनी है, थोड़ा बैंक का भी काम है, तो मैं जा रही हूँ बागेश्वर। और आपको जाते जाते बागेश्वर का कुछ नज़ारा दिखाती हूँ। मिलते हैं आपको बागेश्वर पे, पहले मैं तैयार होती हूँ फिर जाते हैं बागेश्वर। तो गाइस, अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी, अब हम जाते हैं बागेश्वर को। और अभी ऊपर बुआ भी आ रही है तो साथ में जाते हैं, देखते हैं। टाइम भी हो ही गया, 10 बज गए हैं, बागेश्वर जाते जाते 11 बज जाएगा। मौसम तो बहुत अच्छा है आज, आज बहुत अच्छा मौसम है, धूप आ रखी है बहुत अच्छी। अपने दिखाते हैं आपको थोड़ा बाहर का नज़ारा और फिर चलते हैं बागेश्वर को। ये देखो वॉइस रिकॉर्ड डाल दी ना, तो बुलंदी सही तो बात बढ़ा दे रिकॉर्ड ना। तेरे की ना कसो करने पे अनसब्सक्राइब कर दे। हम जा रहे हैं रवाई खास, ये बेचारी के पास छतरी नहीं थी। पैसे डाल देना, गूगल पे नंबर अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बस बस तो फोन को घुमा लो। हम पहुंच चुके हैं बागेश्वर और ये देखो है, अभी थोड़ा बैंक में इन्होंने पैसे जमा करने हैं, जो होता है वो समूह वाला वो वाला। ये देखो गाइस, बागेश्वर का नज़ारा। सेंट्रल में सेंट्रल में भी सेंट्रल रे कड़वा चौथ की वजह से भीड़ ही भीड़ है। सब लोग सब आ रहे हैं खेल। वेदना नंबर लगाओ हां बोल इनसे बुझाए ये फोन पे इंटरनेट मिला सा है। कड़वा चौथ की जैसे भीड़ बहुत है। कहाँ रह रहे हैं? बड़ू नहीं मिया। ला। पहले अब कपड़े दे। ये देखो गाइस, भीड़ कड़वा चौथ के जैसे बहुत ज्यादा भीड़ है। Thank you.
पूजा कर रही चौमिन खाने के लिए बैठ गया दुकान पे, दुकान पे होटल पे, दुकान वो दुकान क्या दुकान है होटल पे, होटल पे भूखे लोग, भूखे प्यासे लोग पहले चौमिन आ गया है, इसको खाने के पहले हो गए, भूख लग गई, इसका नहीं आया अभी तक इस लड़के का। चलो हम पहले खा लेते हैं। मजा आ गया, मजा, चलो पहले खा लेते हैं, आपको मिलता है। ठीक है, के बाद में क्या ये हो रही है मैडम की शॉपिंग, शादी की शॉपिंग। ये भैया आपका ये इतना ही है ना, ले जाओ फर्श में ले जाओ, रुमाल के पैकेट दे दो, कैसे निकालूं। हेलो गाइस, अभी मैं मेहंदी लगा रही हूँ, आर्टिस्ट ये एक ये है लगाने वाले और एक ये है नीचे रखो फिर। ये लोग मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लगा रहे हैं, अभी मैं मेहंदी लगा के दिखाती हूँ आपको कैसे लगाते हैं ये लोग, देखना। बेइज्जती ना करना, कमेंट में बताना। आखिर ऐठानी है, ऐठानी हर चीज सही करते हैं, क्यों देखते हैं, देखते हैं चलते। हेलो गाइस, ये मैंने बनाई है मेहंदी भाभी की। भाभी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है ना। आखिर कलाकार जो हम थे, ये देखो विनोद पतिदेव का नाम इनका, ये गजब। ये पिया बना रही है, पिया यहाँ को तो कर हाथ, अब यहाँ को करो, चाहे तो नहीं करो भाई, ये अच्छा लग रहा है। पति जहर जहर, बस मेरी तो मेहंदी पूरी हो गई है। भाभी हाथ पलटो, भाभी हाथ तो पलटो, ओए हाथ पलटो, ये देखो कचौड़ी जैसी हो गई ना। पिया बिचारी तो यहाँ गालियां पड़ रही है पिया को, पिया पीछे तो दिखाओ, पिया चुप रहो, पिया पीछे कचौड़ी जलेबी सारी बना दी है। भाभी बोले अम्मा का वो तम्बाकू पीने वाला अच्छा होता है, जो भी है, क्योंकि मेरे को नींद आ रही थी तो मैंने जल्दी में कर दिया। अभी हाथ ऐसे करो, तो रुक जा जरा, कर जरा, दिखाते हैं हम भी लोगों को प्यार। अगर जिसकी शादी में मेहंदी डिजाइन नहीं चाहिए तो ये इससे अच्छा वो झाड़ियों में फूल अच्छे लगते हैं। इसको पूरा कर दो, तो इसको पूरा नहीं हुआ अभी,